नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इंडिया और भारत के बीच कोई अंतर नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस पर विवाद पैदा कर रहे हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT की ओर से गठित उच्च स्तरीय समिति की ओर से किताबों पर इंडिया की जगह भारत लिखने के सुझाव पर राजनीतिक विवाद शुरू हुआ था। विवाद के शुरू होने के एक दिन बाद यानी गुरुवार को केंद्रीय मंत्री का बयान सामने आया। बता दें कि उच्च स्तरीय समिति के सुझाव पर विपक्षी दलों विशेषकर दक्षिणी राज्यों के लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विरोध जताने वालों ने उच्च स्तरीय समिति के इस सुझाव को राजनीतिक नौटंकी और इतिहास को विकृत करने का प्रयास बताया है। गुजरात के नर्मदा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर कुलपतियों के सम्मेलन में धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि कुछ समय से इस बात पर विवाद चल रहा है कि हमारे देश को इंडिया या फिर भारत के नाम से संबोधित किया जाना चाहिए या नहीं। धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा कि क्या फर्क है, भारत और इंडिया में कोई अंतर नहीं है। इस देश का नाम भारत है। औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजी बोलने वाले लोगों ने देश को इंडिया नाम दे दिया। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान ने भारत और इंडिया दोनों को महत्व दिया है।